तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। जवान ने आज डे 3 में रिकॉर्ड तोड़ कमाई करी है, हिस्ट्री मेकिंग परफॉर्मेंस किया है। जैसे गदर 2 ने अपने डे 3 में कमाल किया था, वैसे ही आज जवान ने ही कमाल किया है। गदर 2 तक के रिकॉर्ड को खदेड़ दिया है, जो गदर 2 ने 51 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस किया था हिंदी से। आज डे 3 में जवान ने हिंदी से रिकॉर्ड तोड़ कमाई करी है। तो जवान की फाइनल डे 3 की अर्ली एस्टिमेट्स बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट आ चुकी है। एक एक करके चर्चा करेंगे कि मॉर्निंग से आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट में कैसा क्या रुझान रहा है, कितनी ऑक्यूपेंसी रेट के साथ मूवी ने कमाई करी है, क्या ग्रोथ करी है। तो एक एक करके सारी बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दो दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करेंगे। ऑफिशियली मेकर्स की तरफ से ये रिवील हो चुका है कि पहले दो दिन में नेट इंडियन कलेक्शन कितना रहा, ग्रॉस कलेक्शन कितना रहा, ओवरसीज से कितना रहा और टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा पहले दो दिन का। जहाँ दोस्तों फर्स्ट टू डेज का नेट इंडियन कलेक्शन 128 करोड़ के आसपास रहा, ग्रॉस कलेक्शन पहले दो दिन का 154 करोड़ के आसपास रहा, ओवरसीज से डे 1 में 39.6 करोड़ आया था एंड डे 2 में आया है 46 करोड़। जी हाँ दोस्तों, डे 2 में बहुत ज़बरदस्त उछाल मारी है ओवरसीज से, 85.4 करोड़ होता है पहले दो दिन का ओवरसीज का कलेक्शन। अब बात करते हैं पूरी दुनिया में पहले दो दिन में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा जवान का, 240 करोड़ के आंकड़े को टच करता है बहुत शानदार तरीके से। जी हाँ दोस्तों, अब डे 3 के फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करेंगे कि आज पूरे दिन कैसा क्या रुझान रहा है। शुरुआत करेंगे मॉर्निंग से कि क्या ऑक्यूपेंसी रेट रही है, उसके बाद आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट में। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी रेट हिंदी से 56% की रही है थिएटर हाउस में। नाइट में जबरदस्त हाउसफुल शो चले हैं, सैटरडे है तो और भी ज़्यादा क्राउड देखने को मिला नाइट में। इवनिंग से मतलब जबरदस्त हाउसफुल चल रहे थे, थिएटर खचाखच भरे थे। जी हाँ दोस्तों, 50% की ऑक्यूपेंसी रेट तमिल एंड तेलुगु से भी देखने को मिली। तो ये डाटा ऑफिशियल नहीं है, ये अर्ली एस्टिमेट्स का डाटा है। डे 3 में फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ये हो सकती है, इसका डाटा है। जी हाँ दोस्तों, हिंदी से आज डे 3 में 65 करोड़ का कलेक्शन करते नजर आ रही है मूवी एंड ऑफ द डे तक। तो डे 3 में हिंदी बॉक्स ऑफिस से जवान ने बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को चुटकियों में मिला दिया है। लाइक गदर 2 डे 3 में 51 करोड़ कमाए थे, पठान ने डे 3 में 40 करोड़ कमाया था, KGF 2 ने डे 3 में 43 करोड़ और बाहुबली 2 ने डे 3 में 46 करोड़। इसी के साथ 40 करोड़ की रेंज में दंगल और टाइगर जिंदा भी हैं, लेकिन इन सबको जवान ने डे 3 में जबरदस्त बुरी तरीके से खदेड़ दिया है, बिल्कुल रील धो दी है, कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रही है। हिंदी कलेक्शन की बात चल रही है दोस्तों डे 3 में, तो डे 3 में हिंदी से 65 करोड़ का कलेक्शन रहा। इसी साथ तमिल और तेलुगु से डे 3 में 10 करोड़ के आसपास आज सैटरडे डे 3 में होल्ड करते नजर आ रही है मूवी। तो टोटल हिंदी, तमिल, तेलुगु और तीनों लैंग्वेज को मिलाकर नेट कलेक्शन इंडिया से कितना रहता है डे 3 का, लगभग 75 करोड़ के अर्ली एस्टिमेट रहता है, 75 करोड़ के आंकड़े को टच करते नजर आ रही है मूवी तीनों लैंग्वेज से आज डे 3 में। इसी के साथ ग्रॉस कलेक्शन में लगभग 92 करोड़ तक होल्ड करते नजर आ रही है मूवी। और ओवरसीज की बात करें तो यूएसए से 1.3 मिलियन यूएस डॉलर का कलेक्शन ले लिया है। तो डे 3 में अभी तक और सिर्फ ओवरसीज से और भी कंट्रीज को मिलाकर, लाइक गल्फ कंट्रीज को मिलाकर, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इन सब को मिलाकर आज डे 3 से ओवरसीज से सिर्फ 45 करोड़ के आंकड़े को आज भी टच करते नजर आ रही है मूवी। तो पूरी दुनिया से ये डे 3 में कलेक्शन कितना रहेगा, लगभग 135 करोड़ के आसपास कलेक्शन रहेगा आज डे 3 का पूरी दुनिया से जवान का। तो आज जवान डे 3 में पूरी दुनिया से अपने ही पहले दिन का रिकॉर्ड तोड़ते नजर आ रही है और दूसरे दिन का भी रिकॉर्ड तोड़ते नजर आ रही है। तो अब बात करते हैं पहले तीन दिन में जवान ने कितना कलेक्शन कर लिया है। दोस्तों लगभग 380 करोड़ के आंकड़े को होल्ड करते नजर आ रही है मूवी आज डे 3 में। और अभी तो ऑफिशियल डेटा आया नहीं है, अगर कल तक मे बी शायद ये हो सकता है, ये मेरा प्रिडिक्शन है, मे बी 20 करोड़ की और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑफिशियल डेटा ये है नहीं। लगभग 8 से 9 बजे तक के आंकड़े थे, 10 11 12 बजे तक के कोई सोच के आंकड़े अभी ढंग से आए नहीं है। तो ये ऑफिशियल अपडेटेड आंकड़ा कल हमें देखने को मिल जाएगा। तो मे बी मैं मान के चल रहा हूं अगर 20 करोड़ का कलेक्शन ये आज कर लेती है, अभी जब तक पहले तीन दिन का 380 करोड़ है, मान लिया जाए पहले तीन दिन में ही 400 करोड़ क्रॉस कर गई तो भाई साहब तबाही हो जाएगी। और कल तो संडे है वैसे भी, तो कल संडे को मैं मान के चल रहा हूँ कि ये आंकड़ा पहले चार दिन में ही 500 करोड़ के आंकड़े को टच करते नजर आएगी मूवी।
तो अब तो गारंटीड ये देखने को मिल रहा है कि 10 दिन के अंदर ही मूवी 1000 करोड़ क्रॉस कर जाएगी पूरी दुनिया से, और लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1500 करोड़ के ऊपर जाते दिखेगी ही दिखेगी। जवान बिल्कुल जो जबरदस्त कलेक्शन कर रही है, जो जबरदस्त रुझान देखने को मिल रहे हैं, हर दिन जो मोटी कमाई अपने खाते में रख रही है, डेफिनेटली 1500 करोड़ के ऊपर आंकड़ा जाएगा ही जाएगा, 1500 करोड़ कहीं नहीं गए। तो आप लोगों का क्या कहना है, क्या मूवी 1500 करोड़ के आंकड़े को लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में टच कर पाएगी या नहीं, और क्या 10 दिन के अंदर 1000 करोड़ क्रॉस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी मूवी, हाँ या ना, फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर शेयर करके जाना। और अगर आप लोगों ने भी मूवी अभी तक देख लिया तो आपको मूवी कैसी लगी, और आपको बेस्ट कैरेक्टर कौन सा लगा SRK का, जो मल्टीपल कैरेक्टर हैं उनमें से बेस्ट कैरेक्टर कौन सा लगा अगर आप लोगों ने मूवी लिए, तो फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपना एक्सपीरियंस और राय जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।